नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो ज्ञानम नमो अध्यायारम नमो लोए सवसाहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुक्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान भी मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाजन धर्मोस्त मंगलम सर्वंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेत शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाश्चे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे जे ध्याया जाने कहे कम कलंक नित्य निर्नानमय ते परम प्रणवी जितने भी उत्तम कार्य होते हैं वे आत्मा के ही लक्ष्य होते हैं। आत्म ही उत्तम कार्य है, करने योग्य कार्य, आत्म हित ही करने योग्य, आत्मज्ञान ज्ञान है, ज्ञान है, आत्म सुख ही उत्तम सुख है, आत्म विचार ही उत्तम विचार है। बोलो आप, आत्मा के अतिरिक्त विश्व में क्या उत्तम है? ऐसी समझ को समझ नहीं कहते जो सुनने पढ़ने मात्र से कुछ क्षयोपशम में धारणा हो जाती है। स्वानुभव पूर्वक समझो कि मैं आत्मा हूं, निर्णय करो पहले मैं आत्मा हूं, निर्णय पहले निर्णय करो, निर्णय करोगे समझ में आएगा जी काय के लिए कर रहे हैं, कौन के लिए, या भक्ष भक्षण काय के लिए, शरीर के लिए, शरीर तो समझता नहीं बेचारा, और शरीर का परिणमन तो स्वयं ही हो रहा है, उसका निमित्त निमित्त संबंध कर्मोदय से है, शरीर तो छूटेगा, शरीर तो क्षीण होगा, किसके लिए न्याय अन्याय किसके लिए कर रहे हैं, अनिति किसके लिए कर रहे हैं, अवक्ष भक्षण किसके लिए कर रहे हैं, ये मिथ्या सेवन काय के लिए कर रहे हैं, हे भगवान हे देवता ये मंत्र तंत्र काय के लिए कर रहे, आत्मा के लिए। सार पर दृष्टि भाषित हुए, सार पर दृष्टि आए बिना, सार अर्थात शुद्धात्मा, शुद्धात्मा पर दृष्टि आए बिना संसार असार भाषित ही नहीं होता। शुद्धात्मा की प्रीति हुए बिना संसार की प्रीति छूटती ही नहीं, इनसे छूटेगी इनसे हो जाएगी इनसे छूटेगी, बहुत बेकार है, तुम तो हटो यहां से, हाँ तुम आओ, राग द्वेष होंगे और कुछ नहीं होगा। प्रीति का अर्थ मतलब क्या है, पर द्रव्यंत है प्रीति है संसार अभूत द्रव्य, तो पर द्रव्य कौन, एक पर द्रव्य में प्रीति दूसरे पर द्रव्य में अप्रीति, रति अर्थ रति अर्थ करे नि पद विसार है, उल्टा क्या किया था, शुभ अशुभ बंद के फल मझार सम भाव रखे निज पद संभार, रति अरति करे निज पद विसार, अपने को भूल करके रति अरति हो रही है, ये अच्छा तो आत्मा के लिए क्या अच्छा है ये बताओ, ये बहुत अच्छा है लेकिन आत्मा के लिए क्या अच्छा है ये बताओ, व्यवहार भी नहीं, व्यवहार भी नहीं। अब परमेश्वर भगवान इष्ट हैं, अच्छे माने इष्ट हैं, तो आत्मा के लिए इष्ट हैं, आत्मस्वरूप को बताने वाले हैं, आत्महित की प्रेरणा देने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले हैं, अगर इनको कहें अच्छा इष्ट तो व्यवहार हो सकता है, लेकिन जो अपने स्वरूप को भुलाने वाले हैं, विषय कसायों में फंसाने वाले हैं, वे अच्छे कैसे हो सकते, कौन से नैतिक व्यवहार नैतिक, वो व्यवहार झूठा है, झूठा जग व्यवहार आ रही, सच्चा व्यवहार, सच्चा व्यवहार
ये पंच परमेश्वर इष्ट है, ये सच्चा व्यवहार है। स्त्री पुत्र इष्ट है, अधिक इष्ट है, सच्चा व्यवहार नहीं है, झूठा व्यवहार है। विषय कसा इष्ट है नहीं है, तो फिर विषय कसायों में उलझाने वाला इष्ट कैसे हो सकता है? मोह इष्ट है तो मोह को बढ़ाने वाला इष्ट कैसे हो सकता है? बोलो, ये सब मोह बढ़ावन हारे जी को दुर्गत दाता, इष्ट कैसे हो सकता? नरक त्रियंज गति इष्ट है नहीं है, ये तो कोई नहीं मानता। स्वर्ग को तो एकाध दफे कोई भीतर भीतर में मानते भी हैं, लेकिन नरक त्रियंज गति इष्ट नहीं है। तो नरक त्रियंज का कारण परिग्रह इष्ट कैसे हो सकता है? बवारम परिग्रह तो नरक है, ये मायाचारी किसके लिए? दोषों को छिपाने के लिए, परिग्रह के लिए। झूठ क्यों बोल रहा है व्यापारी? तृष्णा के वशीभूत होकर, इतने में क्या गुजर होगी? गुजर माने क्या हुआ? विलासता, पंच इंद्री के विषयों की प्रदर्शन, देखा देखी, होड़। याद है आपको, अरे भाई जब पहुंचे प्रवचन सुनने के लिए, सुना और मन में भाग गया, सोचा यहीं रहना चाहिए, आत्महित कर लेना चाहिए। 22-23 वर्ष की उम्र, आत्महित कर लेना चाहिए, मुश्किल से ऐसा योग बनता है। ठीक, अपनी भावना व्यक्त कर दी, अपनी भक्त की। उसके बाद बोले, अब हम थोड़े से जाएं, कुछ इंतजाम कर लें, तब तो रह पाएंगे। रहेंगे कहाँ? तुमसे कितने लोग पूछते हैं, तो साहब हमारी रहने की भावना तो है, तो खर्चा कितनों, खर्चा लगेगा कितनों, लगेगा फीस कितनी लगेगी, फलानों क्या होगा, पूछते हैं। अरे भाई, केवल पैसा तक उतनी बात है। मान लो को आप कह दो, एक कल्पना से कहोगे नहीं, लेकिन कह दो 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000 तो बहुत है, 20,000 में काम नहीं चलेगा, थोड़ी ले ले। माने केवल पैसा था, आत्महित की भावना बस यही फीस है। अनुशासन का पालन करना यही फीस है। होश है कुछ? विचार तो करो, आत्मा के बिना उत्तम काम कर ही नहीं पाओ। जो लोग बाहर में जीव दया के काम करते रहते हैं, हैं? परोपकार के काम करते हैं, चिकित्सालय खोल लेते हैं, अपने स्वयं हाफ पैंट पहन करके सेवा करते हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, क्यों? जीव को जीव समझते हैं, इसलिए जीव दया आती है। ये बेचारे दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग अशिक्षित, लोग भूख, कितने लोग भूख वर्त खोल दिया। लौकिक में भी परोपकार के काम जो थोड़े से उत्तम कहे जाते, लौकिक में कहे जाते हैं, वे भी जीव को जीव समझने के कारण होते हैं। पैसा के प्रति आसक्ति वाला करोड़ों रखा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ करके मरेगा और कुछ नहीं होगा। दान भोगना शान शौकत में खर्च कर देगा, लेकिन धर्म कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, दीन दुखियों के उपकार में बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या वह उत्तम कहा जा सकता है? लौकिक में भी उत्तम कब हो पाएगा? जब जीव को जीव समझेगा। संग में तो जाएगा नहीं, या को उपयोग कर ले जो कुछ करने। विचार करो, आत्मा के बिना उत्तम कार्य नहीं होता। दो है चार उत्तम कहते, चार लोग उत्तम, आत्मा की आराधना से ही तो उत्तम बने हैं। रत्नत्रय उत्तम है, क्यों उत्तम है? आत्मा की आराधना रूप है, आत्मा का दर्शन, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की प्रतीति, ये उत्तम प्रतीति है। सम्यक दर्शन उत्तम क्यों है? ये आत्मदर्शन रूप है। विविक्तम आत्म रूपम तत् है, विवेक मात्म रूपम तत्,
यह सम्यक दर्शन आत्मा का रूप है। सम्यक ज्ञान उत्तम है क्यों? आत्म ज्ञान उत्तम। सम्यक चारित्र उत्तम है क्यों? आत्मा में। वही फूल देवता पर चढ़ गया, वही फूल मुर्दे पर तक दिया बदा, वही पत्थर देरी पर लग गया, वही पत्थर पाषाण बेदी बन गई। बोलो एक पूज एक ठोकर खा रहा क्यों? उसने समर्पण कहां किया है? एक लड़की भिक्षा मांग रही है, कंडा पाथ रही है, कैसी विडंबना है। पंच इंद्री के विषयों की बसीभूत होकर भावुकता में जैन की लड़की, और वो पर गई चक्कर में, सो चली गई। जब वह कंडा पाथे और रात में अब बोलो समर्पण करने से पहले लेना चाहिए कहां समर्पण करने योग्य है। समर्पण करने से पहले कहां समर्पण योग्य, सुनने से पहले ये सोच लेना चाहिए क्या सुनने लायक है, पढ़ने से पहले सोच समझ लेना चाहिए क्या पढ़ने योग्य है। बचने सुनने योग्य साथ वक्ता का क्या लिखा है? वक्ता के प्रसंग में बोलो, ये तो शास्त्र का बताया। अच्छा शास्त्र का भी बता दो, बचने सुनने योग्य साथ एक लाइन में बताना। अरे एक लाइन में नहीं बता पा रहे, करते प्रश्न करते भी पर हल्के। आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले, आत्महित में लगाने वाले, प्रेरणा करने वाले, विधि बताने वाले शास्त्र बांचने सुनने योग्य। प्रथमान योग क्यों बांचने योग्य है? आत्म आराधना का फल देख करके आत्म आराधना का उत्साह जगता है, पापों का फल देख करके पापों से भयभीत बना होता है। चरणन योग क्यों पढ़ने बांचने सुनने योग्य है? इन क्रियाओं के माध्यम से आत्महित की आत विधि बताइए बायो। बगल की दुकान खाली है, वहां जाकर के नहीं बैठा वो, और यहां लाइन में लग करके खड़ा है भीड़ में। क्यों? उस दुकान पर जो हमें चाहिए वो नहीं है, यहां मिल रही, लाइन में लगे यहां। देखो खाली दुकान है, आओ बैठो गद्दी पे, बगल में बैठा रहा वो दुकानदार, आओ बैठो बैठो। क्या बात है? कछु नाराजी है? नहीं नाराजी कछु नहीं, जो तुम्हारी दुकान पे सो हमें चाहिए नहीं, जो हमें चाहिए सो तुम्हारी दुकान पे है नहीं। पर द्रव्यों से कोई नाराजी नहीं है, द्वेष नहीं है, पर द्रव्यों से वह नहीं मिलता, पर द्रव्यों की प्रीति से वह नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए सुखी नहीं होते। पर को अपना मानने वाला कोई जीव सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, मैं भी सुखी ना पर को अपना मानने वाला कभी सुखी नहीं होता, चौथे काल में भी सुखी नहीं होता, और किंचित भी पैने जातम ज्ञान बिना सुख देश किंचित भी सुखी नहीं होता। कौन? कौन? जो पर को अपना मानता है, जो पर की ओर देखता है, पर से प्रीति करता है। पर माने शरीर, कर्म नोकर्म ये सब पर हैं, रागादिक भाव पर भाव हैं, ये पर द्रव्य हैं। वाचने सुनने योग्य साथ समझ में वक्ता में से पहले नकारात्मक बोलो। पद्धति बुद्धि से चाहे किसी से चाहे कुछ सुनना योग्य नहीं है। जिन्हें अपना हित करना है उन्हें निर्ग्रंथ सुगुरु के निकट ही उपदेश सुनना चाहिए। निर्ग्रंथ मोर ग्रंथी जिनकी मिट गई है। आगे बोलो, आगे क्या लिखा? यदि वे न मिले तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी श्रावक के मुख से शास्त्र सुनना चाहे किसी से चाहे कुछ मत सुनने वाले। दुनिया में अपनी कहने वाले बहुत हैं
और अपनी कहने वाले दुर्लभ है। क्यों? हाँ, अपना रौब गांठने वाले, अपनी महिमा कहने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले बहुत हैं दुनिया में, शरीर की कुल की बखान करने वाले, लेकिन अपने स्वरूप को दर्शाने वाले, अपनी कहने वाले बहुत दुर्लभ है। एकत्व वक्त आत्म तत्व की कथा दुर्लभ है, उस कथा को कहने वाले भी दुर्लभ हैं। विषय कथायों की कथा का आचार्य तो करने वाले बहुत हैं, अनुभव करने वाले बहुत हैं, सुनने सुनाने वाले भी बहुत हैं। शिष्य भी है, आत्मा का हित क्या है? उमा स्वामी महाराज के पास जाकर के पूछा है, आत्मा का हित क्या है? योगेंद्र आचार्य महाराज के पास पूछा, प्रभु आत्मा का प्रकाश करो, जिसको जाने बिना हम दुखी होते रहे, जिसको जानने पर हमें आनंद, उस आत्मा का प्रकाश करो, आत्म स्वरूप को दर्शाओ। तुम तो बड़े भाग्यवान हो जी, छोटी छोटी बच्चे भी जिनके सामने जरा सी छोटी प्रारंभ की पुस्तकों में ये लिखा है, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है, क्या करता है, मुझे देखना है आनंद का दरिया, आनंद का समुद्र कैसा है वो। तुम कह रहे हो उसे शक्ति हमें प्रतीति है, लेकिन हमें तो देखना है ना। हे गुरु, आप कह रहे हो उसकी हमें प्रतीति है, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष देखना है। किसी कहानी में से बोलो, भरत चक्रवर्ती की कहानी में से बोलो। चलो, तुमने पढ़ी है सो, मां का हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ। समाचार तो रोज मिल रहे थे दिग्विजय के, लेकिन आज भरत चक्रवर्ती लौट रहे हैं। माता या सरस्वती हैं, हृदय भूल, हृदय भूल, आज मेरा बेटा 6 बजे 6 खंड की विजय करके आएगा, देखने के लिए होता है। और जब वे विजय आए आए, कैसा प्रसंग बना, कैसो के 100 भाई दीक्षा लेके चले गए, अकेले चले आ रहे, न कोई उत्साह है दिग्विजय का, न कुछ। दादा मां के चरणों में, क्यों का बात है, कछु नहीं, दिग्विजय हो गई। लेकिन दिग्विजय होने पर भी मोह विजय के बिना, राग की विजय के बिना, कर्मों की विजय के बिना, इंद्रियों की विजय के बिना उल्लास कहां से आ, उल्लास कहां से आ, उल्लास तो एक जगह होगा, दूसरी जगह कहां से। कौन से वक्ता से उपदेश सुनना है जो आत्महित की प्रेरणा करे, आत्महित के मार्ग में लगा, ताड़ना करके भी दोष छोड़ा है, मुंह से भला भला करने का, बहुत अच्छे, तुम बहुत होशियार, तुम बहुत धर्मात्मा हो भैया, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो भैया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ठगाया गया। जो अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा गए हैं, असत से बचा करके सच की ओर ले जा गए, मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर काय में आत्मा के। जिसे देखते अपना स्वरूप दिख जाए, अपना लक्ष्य दिख जाए, अपना साध्य दिख जाए, वह जिन बिंब देखने लायक है, जिन रूप देखने लायक है, जिसे सुनने पर अपना स्वरूप समझ में आ जाए, वह जिन वचन सुनने लायक है, जिस संगति में स्वरूप की आराधना बढ़े, वह संगति करने, जिन संगति करने योग्य है, जिन रूप ही देखने योग्य है, जिन वचन ही सुनने योग्य है, तीसरा क्या है, हाँ, जिन भावना भाले, जिन भावना और निज भावना में कोई अंतर नहीं है, विविक्षा भेद है,
जिन भावना का शब्दार्थ क्या होगा बेटी बोलना? अरे ऐसे थोड़ी, जिन जितेंद्रियता की भावना भावना, जितेंद्रियता की भावना भावे हो कर जितेंद्री स्वामी अतीन्द्री रूप ध्यावे, जिन वर समीप आते अपना स्वरूप पावे। हे पार्श्वनाथ स्वामी चरणों में शीश नावे। होकर जितेंद्री स्वामी हैं अतीन्द्री रूप ध्यावे, अतीन्द्री सुख पावे। है इंद्री ज्ञान, इंद्री ज्ञान तो दुखमय है। ये केवल इंद्री ज्ञान कि वह दुखमय है, आत्मा से विमुख है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान सुखमय क्यों उत्तम है? तो वह आत्मा का स्वरूप है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा आत्मा जाना जाता है, उस आत्म स्वरूप को अनुभवते हुए आनंदित हुआ जाता है। आत्मा उत्तम है और जहां जहां आत्मा है वो सब उत्तम है। वे गुरु उत्तम है जो आत्मस्वरूप की भावना भाते साधना में लगे हैं और आत्मस्वरूप की आराधना में लगा रहे हैं। इसी मार्ग में लगे लगावे वे ही सच्चे संत हैं। कितना सुंदर सुखम न सुखम अहो सहज, इसी मार्ग में जी खा ले जे पी ले जे पे, अरे अनुभव करो, आत्मा का हित करो, आत्मा की आराधना करो। ये दुर्लभ भाव आत्मा की आराधना के लिए। ऐसा कौन सा भोजन नहीं किया अनंत बार, ऐसे कौन से कपड़े जो अनंत बार नहीं पहने, ऐसी कौन सी विषय है जो अनंत बार नहीं सेवन करे, इनमें कौन सा नयापन है? वह देव उत्तम है जो आत्म स्वरूप में लीन है। वे शास्त्र उत्तम है जो आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। वे आयतन उत्तम है जहां आत्म स्वरूप की आराधना तपोवन कहलाता है। तीर्थ उत्तम है आत्मा से जुड़े वेई पी हैं। वेई पदार्थ मीठे हैं, वेई हैं जिनमें मिश्री है उतने ही मीठे हैं जितनी मिश्री है। जितो गुड़ डारे उतने मीठे हो गए, जितना आत्मा भावगे उतने ही सुखी हो गए। जितना आत्मा जानोगे उतना ही आनंदित रहोगे। कोई वचन बोलो, कोई वचनामृत बोलना पड़ा हुआ। संसार बहुत दुख रूप है, क्लेश रूप है, असार है, असरण है। एक विचार कर जो वैराग्य होता है वह सच्चा वैराग्य नहीं है। आत्मा आनंदमय है, आत्मा की आराधना आनंदमय है, आत्मा की भावना आनंदमय है। ऐसे ऐसे भाव भाषण पूर्वक जो वैराग्य होता है वह सच्चा वैराग्य। सच्चे हित ऐसी हैं आत्महितकारी उपदेश देने के, बाद बाकी शरीर और भोग संयोग काय के हित ऐसी, उनमें हमारा हित नहीं है ना। आत्मा का हित आत्मा से बाहर नहीं है, आत्मा का हित आत्मा से बाहर नहीं है, आत्मा के हित का मार्ग भी आत्मा से बाहर नहीं है। बाहर सब संसार है, दुख है, क्लेश है। धर्मो वर्धनीयम कहां लिखा? पुरुषा सिद्धि पाए उपगुवन अंग है, है? क्या दूसरा है? प्रभाव नाम धर्मो वर्ग नियम कहा? आत्मा प्रभाव नियम रत्न तेईस सतत नहीं। उपगुवन का दूसरा शब्द है उपभ्रहण भी है ना, उपभ्रहण माने बढ़ाने वाला। तो वहां कहा धर्मो वर्ग नियम,
धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही जोड़ने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है। आज बाकी भैया न कमाने लायक है, न बढ़ाने लायक है, न जोड़ने लायक है, घटाने लायक है, घटती ज्ञान। व्यापार घटा सको तो अच्छा रहो। आज तो थोड़ी तकलीफ है, बिल्कुल मत खा, मत खा, भूख नहीं है, नहीं खा कोई बात नहीं, सवेरे भूख लग जाएगी या शाम तक भूख लग जाएगी। देखो दिन भर, अब देखो दिन भर अन्य दुकान, कोई बात नहीं थोड़ा खा, ज्यादा तो नहीं, ऐसी जितनी जरूरत है उतना कमाओ, जितनी जरूरत है जितनी जरूरत है कमा रखते हैं, सवेरे घर को तो नहीं बांध के चल। यात्रा में जितनी जरूरत है उतना कम से कम सामान लेकर के ही तो चलते हैं, तभी तो सुखद यात्रा हो पाएगी लौकिक दृष्टि से। तो जीवन रूप जीवन यात्रा में भी जितना कम परिग्रह होगा उतना सुख होगा। कैसे ये हैं कवि विद्वान श्रावक गृहस्थ तुम्हारी भाषा में कैसे ये भावना भाते होंगे, भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धन नग्न पर तन नग्न ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े, कैसे लिखे होंगे, तुम्हें ही लिखे हुए। अच्छा बताओ एक महीने में ये लाइनें कितनी बार तुम्हारे मुंह से निकलती हैं, चलो लिखने की बात तो बहुत दूर, एक दिन में कितनी बार तुम्हें लाइनें तुम्हारी मुंह से निकलती हैं, बात लगता ही नहीं है ये सुख है। देने वाले परिग्रह परिग्रह परिग्रह, मोबाइल असार क्यों है, बातचीत बातचीत उनसे होती है जिनसे विचार कर, अखबार असार क्यों है, अखबार होंगे समाचार, सार और असार का इतना ही मूल तत्व समझना कि शुद्धात्मा सार है, शेष सब असार है। बाद बाकी उत्तर भेद समझ लेना, शुद्धात्मा सार है तो शुद्धात्मा की आराधना सार, सार कहो उत्तम कहो। सार के दो अर्थ बताए थे छेड़ाना, उत्तम और ग्रहण करने योग्य, और दोनों का एक ही अर्थ है, जो उत्तम होता है वही ग्रहण करने योग्य है, जो निकृष्ट होता है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहां जो उत्तम होता है वह ग्रहण करने योग्य है, बादाम का ग्रहण करने योग्य थोड़ा ही होता है, मिगी ग्रहण करने योग्य होती है, और उस मिगी में से भी अगर तेल निकाल दिया जाए तो क्या कहो, ये कैसे बादाम निका है, एम कछ आई। बहुत से बेईमान तेल निकाल लेंगे फिर उसका पाक बना देंगे और बादाम पाक के नाम से बिक रहा हो। अब वैद्य ने देखा जब बादाम पाक लिख दिया इनके लिए, एक बादाम पाक ले आना, अब वो ले आए बेचारे, एक जने बोले वो 100 रुपया किलो बादाम पाक मिलेगा, हमने 100 रुपया किलो बादाम पाक मिलेगा, तुमने सोची 100 रुपया में बादाम पाक मिलेगा और ने सोची मूंगफली के या खाली के 100 रुपया मिल गए, थोड़ी पुरानी बात है 100 रुपया उस अर्थ से कम नहीं पड़ता होगा भाई, उसकी औषधियां हैं व्यवस्था है, 100 रुपया हम बादाम पाक ले आए, हमें बादाम पाक हो ही नहीं, वो गर्मी करो हमें, अरे गर्मी तो करे वही, जो उसकी मूल जो उसका तेली अंश है वो निकल गया, आपका क्या करोगे, जो उसका तेली अंश है जो उसकी औषधि है मूल में वो तो निकल चुकी, अब खाली रहेगी, खाली है तो मैं पाक बना दो, शक्कर डाल दूर के और बढ़िया इलायची और सेंट डाल के वो गर्मी करो, हमने घर बना देखो गर्मी का तो हम बताएं तुम्हें, गर्मी गर्मी कर जाता हमसे कही हो गए। वो दवाई गर्मी का जो गर्म थी उनको दूध से बता दे कि नहीं, मलाई से बता दे कि नहीं,
हैं तुम्हारी एलोपैथिक में भी क्या नाम वो रस पिलाते कि नहीं पिलाते? वे सब निकल रहे, वे सब निकल रही, गर्मी तो करेगी। आत्मा निकाल दो फिर कहो आकुलता होती है, अशांति होती है। अशांति और आकुलता तो होगी, शांत तत्व तो आत्मा था, चाहे पूजा में था, चाहे स्वाध्याय में था, है चाहे कहीं था, अब तुम्हें आत्मा नहीं तो अशांति तो हो नहीं है। यहां स्वसंवेदन नहीं है वहां तो भाई दुख का ही वेदन होता है। जहां स्वसंवेदन नहीं है वहां दुख का ही वेदन होता है। वेदन बिना तो एक क्षण भी जीव नहीं रह सकता। आत्मा उत्तम तत्व है, जितना भी उत्तम का भी वो आत्मा कहती है उत्तम। जहां जहां आत्मा जो जो आत्मा सो उत्तम, जहां जहां आत्मा वो उत्तम, तो महाराज फिर निगोदिया जीव भी उत्तम हो गया। जैसे मंगल का प्रश्नोत्तर है ऐसे उत्तम का लगा लेना, महाराज निगोदिया जीव भी उत्तम हो गया। कि निगोदिया जीव, निगोदिया का जीव उत्तम है, निगोदिया जीव उत्तम नहीं। क्या कही पकड़ पाए? निगोदिया जीव उत्तम नहीं, निगोदिया का भी जीव तो उत्तम है। तो महाराज निगोदिया जीव उत्तम क्यों नहीं? तो अपने को जीव अनुभवता ही नहीं, जानता ही नहीं। इनका आत्मा भगवान है, जीव भगवान नहीं है। ये छोटा बच्चा बैठा ना, उस छोटे बच्चे का भी आत्मा भगवान है, लेकिन ये बच्चा भगवान थोड़ा ही है। क्यों? ये बच्चा अपने को आत्मा जानता ही नहीं है। ये इसको तो सिखा दिया सो बोलता है हम भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, और उठेगा सोई है मम्मी दूध, तो भगवान आते दूध कहां से मांगने लगा? बाबा पैसा, अजय इनके पास है बाबा पैसा। अब वो भगवान आत्मा पैसा कैसे मांगने लगा जी बता? बाबा ये भला नहीं की, तो ये बता जी कहां से मांगने लगा? आत्मा तो है नहीं, लेकिन उसने अब आत्मा समझा नहीं है। आत्मा समझे और दुखी हो जाए असंभव। यहां स्वसंवेदन है वह आनंद रूप है, और स्वसंवेदन नहीं है वही दुख है। दृष्टांत बोलो बेटी, यहां प्रकाश नहीं होता वही अंधकार होता है, यहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता। प्रकाश और अंधकार का एक साथ एक जगह रहना संभव नहीं। जैसे रवि मंडल के महिमन, जैसे रवि मंडल के उदय महिमंडल में है कल वो नाटक समय, जैसे जहां सूर्य का उदय रवि मंडल के उदय महिमंडल में आतप अटल तम पटल विलात है। आतप अटल हो, सूर्य का उदय हुआ एकदम प्रकाश फैल गया, अंधकार बिला गया। वैसे परमात्मा को अनुभव रहते जान लो, बोलो कहूं दुविधा न कहूं पक्षपात है। वैसे परमात्मा को अनुभव रहते जो लो, बोलो कहूं दुविधा न कहूं पक्षपात है। नय को न लेश परवान को न परवेश, परमान परवान नहीं परमान, परमान को न परवेश। निक्षेप के वंश को जो लिया जो जैसे नय को न लेश परवान को न परवेश, नय के निक्षेप विध्वंस होते जाते नय को न लेश निक्षेप के वंश को विध्वंस होते जाते हैं। वहां कोई खड़ा नहीं होता, कोई विकल्प खड़ा नहीं। विकल्प बहुत होते हैं, अरे विकल्प बहुत होते हैं, तुम पहले ही विकल्प करो, सब विकल्प से निर्विकल्प की ओर चलो। समझ में आया ना? मतलब दुर्विकल्प होते हैं, तुम शुभ विकल्प पहले ही करने लगो, शुद्धात्मा का विचार
शुद्धात्मा का विचार करने लगोगे तो वे दुर्विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे और निर्विकल्प होने की ओर आप चले जाओ, और शुद्धात्मा का विचार नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया तो विकल्प तो होंगे ही, और उन विकल्पों की पूर्ति में और उलझ गए, और विकल्पों की पूर्ति अगर मान लिया तो विकल्प रुकेंगे। बच्चे को तुम्हारी कमजोरी मालूम है तो उसने मांगा, फिर उसने हिलाया, फिर वो मचल गया, फिर वो रोने लगा, फिर उसने मुंह पटका, क्यों क्यों? वो जानता है ये मिलेगी, अब मिलेगी। और जिस बच्चे को ये मालूम है ये नहीं देंगे, फिर वो नहीं मुंह पटकेगा। जिद पूरी करते हो आप, बच्चे को बिगाड़ते हो, समझ लेना चाहिए। जो बच्चे के लायक है वो सहज में मिलना चाहिए, और जो बच्चे के लायक नहीं है वो जिद करे तो भी नहीं देना चाहिए। वो बहुत जिद आएगा, जिद्या लेंगे आज, जिद्या लेंगे कल, आराम मिल जाएगा। बच्चा भी संगी है, समझता है, सब समझता है। वो जान तो जी नहीं देंगे, जी देंगे तो इनके पास नहीं जाएगा, इनके पास चले जाएगा। क्या क्या क्योंकि जी तो देंगे नहीं, और अगर क्या क्या नहीं देंगे और जिन्हें मालूम जी देंगे ताऊ तो ताऊ के पास चले जाओ। बहुत से बच्चे मां से जिद करते पा से नहीं कह पाते, बहुत से पापा से कहते मां से नहीं कर पाते, क्यों? वो जानते जिद देंगे। अपनी भी इस बाल प्रवृत्ति का ध्यान रखना, अपनी भी बाल प्रवृत्ति का ध्यान रखना। बाल प्रवृत्ति को छोड़ना ही चाहिए। आत्मा उत्तम तत्व है, इसलिए वह आप उत्तम है, आत्मज्ञान उत्तम है, आत्मदर्शन उत्तम है, आत्मा आराधना उत्तम है। कौन सा तप उत्तम है? एक टांग पे खड़े रहो कि दो टांग पे? टांग पे खड़े हो तो उत्तम नहीं है, आत्मा में खड़े रहो तो उत्तम है। स्वरूप विश्रांति रूप तप उत्तम तप है, क्यों? स्वरूप विश्रांति रूप तप के द्वारा ही ये जीव के दुख का, इच्छाओं का निरोध होता है। पूरा वही जीवन उत्तम है जो आत्मा आराधना में लगा है, वही समय उत्तम है जो आत्मा आराधना में लगा है, वही बुद्धि उत्तम है जो आत्मा आराधना में लगी है। चाराकी चतुराई वाली बुद्धि उत्तम नहीं है? ओम नमः।